जय श्री राम भाई लोग, वी आर बैक। काफी दिन बाद वापस घूम, काफी दिन मतलब एक दो महीने बाद वापस घूमने जा रहे हैं। और इस बार जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई लोग? गोवा। बहुत दिन से इच्छा थी यार गोवा जाने की, बट कभी प्लान बन ही नहीं पा रहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही थी। इस बार थोड़ा अच्छी छुट्टी मिल गई है सबको। मेरा भाई के बच्ची की तबीयत खराब है, सोचो इतना बड़ा गोवा का आशिक है। यही बोल रहा है ना, तलब गोवा की तलब है, तलब नहीं है तुम्हारे लिए। सॉरी सॉरी ब्रो, माय मिस्टेक। मेरे भाई को इतना ज्यादा हम लोग से प्यार है कि हमारे पास कोई ड्राइवर मतलब कोई चलाने वाला नहीं था, कोई चलाने वाला गाड़ी था नहीं, तो भाई हम लोग के लिए आया। सोचो अपनी बेटी की तबीयत खराब है फिर भी आया हमारे लिए। भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे, मैं तो यही बोलूंगा। भाई अभी हम लोग पहुंच गए पुणे, सॉरी सतारा पहुंच गए। रात के 10:30 बज रहे हैं, खाना खाने के लिए रुके। तो मैं हरीश तो वेज वाले, सत्यम भी वेज वाला था लेकिन कुछ टाइम के लिए नॉन वेज हो गया। देख लो भाई, नॉन वेज हो चुका है। और ये तो भाई इधर दिख ही रहा है। हम लोग तो भाई, अरे सुनना तो भाई, हम लोग बस गोवा जाने से पहले ही हमें वाटरफॉल मिल गया। दिखाता हूँ, बहुत फेमस जगह है ऐसे सब बोल रहे हैं यहाँ पे, अम्बोली वाटरफॉल। और बहुत मस्त जगह है, दिखाता हूँ आप लोगों को मैं भी। ये है अम्बोली वाटरफॉल का व्यू। ये है वो अम्बोली वाटरफॉल भाई, एक नंबर, एक नंबर। यार हम लोग फाइनली गोवा में पहुंच गए भाई लोग। अभी थोड़ा थोड़ा सीन अच्छा लग रहा है, सन खुशी मिल रही है। तो भाई लोग फाइनली हम लोग गोवा में आ गए हैं और रूम भी हम लोग ने ले लिया है। बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है और रेंट भी बहुत अफोर्डेबल है। आपको रूम दिखाता हूँ एक बार। ये 2 बेड यहाँ पे है, एसी एंड टीवी और विथ किचन, फ्रिज, वॉशरूम, बाथरूम एंड 2 बेड यहाँ पे विथ कपबोर्ड। तो बहुत अच्छे से मिल गया। 3 दिन के लिए अब यहाँ पे स्टे है। अभी भूख लगी है तो पहले खाना खाने जाते हैं कुछ बाहर रेडी होके। भाई रूम में सामान वामान रख दिया है, अब जा रहे थोड़ा खाना वाना खाते हैं, भूख बहुत ज़ोर से लगी है, फिर आके देखते हैं क्या करना है। तो भाई फाइनली यार थक बहुत गए थे खाना खाने के बाद, इसलिए सो गए थे आके। अभी फ्रेश हुए, रेडी हो गए, अब जा रहे हैं डेल्टिन। तो सब रेडी है, बहुत एक्साइटमेंट है भाई। रेडी हरीश, रेडी? हाँ भाई रेडी, रेडी। लग रही है रेडी भाई। और जिगेश अभी रेडी हो रहा है, हमेशा लेट। तो भाई पहुंच गए हम लोग फाइनली। बहुत अच्छा व्यू है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो भाई ये फेरी में हम लोग को लेके जाया जा रहा है डेल्टिन कैसीनो की तरफ। और यहाँ पे रशिया से आई हुई नाच रही हैं। तो हम लोग वापस अब जा रहे हैं घर की तरफ। अंदर यार फोन अलाउड नहीं था कैसीनो में, इसलिए बहुत कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया मैं। गुड मॉर्निंग भाई लोग, आज दूसरा दिन हमारा यहाँ पे। और
अभी 10:30 बज रहे हैं, रात में इतना थक गए थे कि कब सोए कब आँख खुली पता ही नहीं चला। अभी बीच पे जाने का प्लान था बट बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, फिर भी देखते हैं कहाँ जाते हैं, निकलते हैं फ्रेश होकर, रेडी होकर निकलते हैं, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा इतनी दूर आया तो ना गाइस, इट्स सेकंड डे और नाउ वी आर रेडी टू एक्सप्लोर द गोवा। अब चलते हैं बाहर की ओर। अरे मेरा चप्पल कहाँ गया? हरीश चल जल्दी लॉक कर के आना। तो मोस्टली हम लोग साउथ गोवा की तरफ जाने वाले हैं। हाँ भाई, हाँ सब आ गए, जल्दी पहुंच गए यहाँ पे। ये कोई चर्च है, बहुत फेमस है यहाँ का, पता नहीं क्या है पर अच्छा है लोग बोलते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच गए साउथ गोवा कोलवा बीच के पास। बट यार इतना ज़्यादा पानी है ना यहाँ पे कि शायद अंदर जाने को मना तो नहीं करेगा कोई, बट देखते हैं यार, बहुत पानी है। क्या खा रहा है? मार मार साले को। भाई हम लोग पहुंच गए अभी बागा बीच पे। बहुत ज्यादा बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी लग रही है, इतनी हवा चल रही है। आज तीसरा दिन है और अभी हम लोग जा रहे हैं आज देखते बीचेस एक्सप्लोर करने। वैसे रात में कल गए थे बागा बीच बट इतना अंधेरा था कि वीडियो में नहीं आया था प्रॉपर। बाकी मज़ा तो बहुत आई थी। थोड़ी शॉपिंग करने आए, काजू लेने आए। अब गोवा आए और काजू ना ले तो यहाँ पे हम लोग काजू लेने के लिए आए हैं। मुझे तो मेरे भांजे के लिए लेने हैं, उसको बहुत काजू पसंद है, उसने रिक्वेस्ट भी की थी कि लेके आना भतीजे के लिए। बज रहे हैं अब यहाँ से बहुत 14-15 घंटा लगने वाला घर पे पहुँचते हुए, तो फिर निकलते हैं अब।